नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। इस वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के चौथे पाठ को देखेंगे और इस पाठ में हम लोग स्व प्रश्नों को देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग डॉक्टर मनीष रंजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड सामान्य ज्ञान के तीन सेट को देख चुके हैं और इस तीन सेट में मैंने 500 प्रश्न करवाए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ये सारे प्रश्न मिक्स हैं, अर्थात सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सीरीज। पहला सवाल है कि राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला है रांची, लेकिन अगर प्रतिशतता के आधार पर कहा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा खूंटी। दूसरा प्रश्न है कि अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1997 ईस्वी में पारित हुआ था। झारखंड के पहले संगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह का नाम क्या था? तो उस विद्रोह का नाम था कोल विद्रोह। यह काफ़ी संगठित था और काफ़ी व्यापक था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने दामिन ये इरा या दामिन ये कोह कानून किस जिले में लागू किया था? तो संथाल परगना में लागू किया था। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो धनबाद में हुई थी। धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है, कोयला राजधानी भी कहा जाता है। इस वर्ष रांची में म्यूनिसिपलिटी किस वर्ष रांची में जो है म्यूनिसिपैलिटी स्थापित हुई थी? तो 1869 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है कि आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो आदिवासी सभा का गठन हुआ था 1938 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न है कि किस वन्य प्राणी आश्रयणी की घोषणा झारखंड राज्य में 1955 में की गई थी? तो हजारीबाग, उसका नाम क्या है? हजारीबाग। अगला प्रश्न लोग देखते हैं कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय आबादी का लिंगानुपात क्या है? 1003, ये जनजातीय आबादी का है, कुल आबादी का नहीं। अगला प्रश्न है बोकारो जिले के किस स्थान से जैन तीर्थंकरों की एक समूह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो टलुवारा से प्राप्त हुई है, जैन तीर्थंकरों के एक समूह के। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है झारखंड को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू की? तो मुंडा जनजाति के लोगों ने शुरू की। अगला प्रश्न है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है। क्या स्थित है? सिकनी कोयला परियोजना। अगला प्रश्न है कौन सा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? तो उस कॉलेज का नाम है MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, MDM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। अगला प्रश्न है कि टैगोर हिल कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? तो रांची। और ये टैगोर जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी किस उपनाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी तबाही मचाती थी, लेकिन डैम बनने के बाद काफ़ी इसमें सुधार आ गया है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का 16वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है कि आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजातीय रचनाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की? तो वो थे राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है कि आदिवासी महासभा के समानांतर सरना आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना की? तो सनातन आदिवासी सभा की स्थापना की।
इस सीरीज में हम लोग कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न मिश्रित प्रश्न हैं और झारखंड में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि सरायकेला राज्य से अंग्रेजों का संपर्क सबसे पहले किस वर्ष हुआ था। तो सबसे पहले 1770 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह जो कि 1667 से 77 ईस्वी के बीच हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो जगन्नाथ ढाल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे। तो वो था हजारीबाग जेल। ये गलत है, यहाँ हजारीबाग जेल। अगला प्रश्न है कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जिसे जैक भी कहा जाता था का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन हुआ था 9 अगस्त 1995 ईस्वी को और झारखंड निर्माण की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। अगला है झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो चित्रकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा स्थान है। झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है। तो 21वां स्थान है, अर्थात 21वां उच्च न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जादोपटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है। तो संथाल जनजाति में विशेष लोकप्रिय है। झारखंड का अमृत पुत्र मरंगोम के जयपाल सिंह के नाटक के नाटककार का नाम क्या है। गिरधारी राम गोंझू, अर्थात जिसे गिरिराज भी कहा जाता था। तीसवा प्रश्न है बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो शशांक ने करवाया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो 81 क्षेत्र हैं। किस त्यौहार के दौरान गांव का पूजा हरी गांव के पुजारी हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है। तो वो सरहुल पूजा है। किस किले का निर्माण राजा मेदिनी राय द्वारा किया गया। तो पलामू किला जो कि लातेहार में स्थित है उसका निर्माण मेदिनी राय द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रमंडल खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। झारखंड के किस जिले में अभ्रक की सबसे बड़ी खान स्थित है। तो कोडरमा जिले में स्थित है, इसलिए देश की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है कोडरमा को। झारखंड राज्य में कुल संसद सदस्य कितने हैं। तो 20 हैं। 14 लोकसभा के सदस्य हैं और 6 राज्यसभा के। तो कुल सदस्य संसद के कितने हुए 20। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो कोडरमा को जाना जाता है। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो मुख्यमंत्री होते हैं। झारखंड सरकार की कन्या योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो 30,000 रुपया दी जाती है। किस योजना के तहत, कन्यादान योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था। तो बाबा तिलका मांझी। सोहराय पर्व के दिन 9 दिनों के बाद होने वाले किस पर्व में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं। तो देव उठान में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया था। तो 20 जून 1963 ईस्वी में किया था। 20 जून 1963 ईस्वी में किया था। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है। तो मलोटी को कहा जाता है। मलोटी कहाँ है, दुमका जिला में है। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन सा नागवंशी राजा था। तो द्रीपनाथ शाह था। कौन था, द्रीपनाथ शाह, जब अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ था। गया के निरंजना नदी के किनारे बोध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी। तो इटखोरी में की थी।
झारखंड के कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जैन धर्मावलंबियों की है? तो 0.1%। ओनली कितना है? 0.1%। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में कितने जिलों से हुई थी? तो 20 जिलों से हुई थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक कौन थे? तो जुबेल लकड़ा थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी, उसके संस्थापक थे जुबेल लकड़ा। अगला प्रश्न है झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो पलामू जिला है। झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? तो 40 लाख टन है। कितना लाख टन है? 40 लाख टन है। झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? तो आर्कियन क्रम के सेल में मिलते हैं। सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन था? तो सनातन आदिवासी सभा का नेता था ठेबले उरांव। हम लोग इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न को देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और ये सारे प्रश्न झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। झारखंड में लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड में राजकीय उच्च मार्ग कितने किलोमीटर है? तो 1231 किलोमीटर है। कुल कितना है? 1231 किलोमीटर है। गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? तो शशांक के अंदर आता था गौड़, उसमें बंगाल को कहा जाता था। संथाल विद्रोह 1855-56 का दमन किस अंग्रेज अफसर ने किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय झारखंड में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो झारखंड में इसकी शुरुआत रोहिणी देवघर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? रोहिणी देवघर से हुई थी। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का प्रमुख नेता कौन था? तो राजा अर्जुन सिंह था। 60वां प्रश्न है कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अर्थात जिसे NH2 भी कहते हैं। जी ई एल मिशन झारखंड का झारखंड में आगमन कब हुआ? तो 1845 ईस्वी में हुआ था। झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय किसे जाता है? माननीय विनोद बिहारी महतो को जाता है। 64वां प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था? तो तिलका मांझी। झारखंड में रेल परिवहन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1860-62 ईस्वी माना जाता है। तिलैया डैम किस नदी पर है? तो तिलैया डैम बराकर नदी पर है। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष साल वृक्ष है। झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो कुल 43 अर्थात 43 अनुमंडल हैं। झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? तो गुमला में लगता है। 70 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। झारखंड का भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना एवं प्रायद्वीपीय पठार के किस छोर पर स्थित है? तो उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन सा है? संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास हडाम वाक वातो। कौन सा है? हडाम वाक वातो। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि काली मिट्टी किस तरह की सेलों से बनती है? तो बेसाल्ट सेलों से बनती है। नवरत्नगढ़ किस नागवंशी राजा ने बनवाया था? तो देव शाह ने बनाया था। झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो पाकुड़ में है। किस जिले में है? पाकुड़ में है। किस राजा ने उड़दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था? तो हेमंत सिंह ने बनाया था। उस राजा का नाम था हेमंत सिंह। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीत कर सतगांव को राजधानी बनाया था? तो उस सुल्तान का नाम था फिरोज तुगलक। क्या नाम था? फिरोज तुगलक।
कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो विल्किंसन ने किया था। किसने किया था? विल्किंसन ने किया था। दलमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। 79 नंबर का प्रश्न देखेंगे, झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ है। अनुसूचित जाति है यहाँ, जनजाति नहीं। अगर जनजाति कहा जाएगा तो कोडरमा इसका उत्तर होगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2001 ईस्वी में पारित हुआ था। किसने 1907 ईस्वी में साकची में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी? तो जमशेद जी टाटा ने दी थी। आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो बिरसा मुंडा आवासीय योजना। बिरसा मुंडा आवासीय योजना। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इसी के जन्मदिवस पर हम लोग अपने राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.4%। 66.4%। कोयल कार और जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो झारखंड की है। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो ब्राकर नदी पर स्थित है। 88 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 ईस्वी से 31 दिसंबर 1916 ईस्वी तक नज़रबंद किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद को। किसे किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद को। और रामगढ़ में आयोजित होने वाली 1940 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। इस वीडियो में टोटल हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे और इसके पहले मैंने 500 प्रश्न करवाया है और सभी प्रश्न डॉक्टर मनीष रंजन की पुस्तक से लिए गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि चौथी हॉकी इंडिया लीग 2016 का फाइनल झारखंड के किस ज़िले में संपन्न हुआ? तो झारखंड के रांची ज़िले में संपन्न हुआ। झारखंड के अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र कौन सा है? अरण्य अर्थात जंगल, तो शारंडा है। चौथी हॉकी इंडिया लीग 2016 के विजेता कौन थे? तो जेपी पंजाब वेरियर्स। कौन थे? जेपी पंजाब वेरियर्स इसके विजेता थे। 92 नंबर का प्रश्न देखेंगे, झारखंड में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता कितनी उम्र तक प्रदान की जाती है? तो 65 वर्ष तक। दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो हटिया में स्थित है, रांची के बगल में हटिया। अगला प्रश्न है कि सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था? तो विक्रम सिंह। सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम था विक्रम सिंह। झारखंड राज्य सरकार के सूचना केंद्र का नाम क्या है? तो झारनेट। क्या है? झारनेट। झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का नाम क्या है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र। क्या है? मैथन जल विद्युत केंद्र। 98 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग कि झारखंड के खनिजों से होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत कोयला से प्राप्त होता है? तो 75%। कितना? 75%। 99 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न मिस्टेक हो गया। चलिए 100 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ठंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की पाई जाती है? झारखंड में होगा या झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। 101वां प्रश्न है, भूतकालीन झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। इस प्रकार मैंने आप सभी के साथ 100 प्रश्न
साझा किया, और ये सारे प्रश्न डॉक्टर मनीष रंजन की पुस्तक से लिए गए हैं और जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत सूचना मिल जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।